ये चाय बना रहे हैं। माजिद भाई ने कहा है कि मुझे एक फड़कती हुई चाय चाहिए, तो उसके लिए जो है ये मैंने एक कप के पानी लिए, उसमें पत्ती डाल के इसको मैंने रख दिया। अभी आपको बताऊं कि चाय जो है वो एक्चुअली बनती कैसे है। इसको मैंने बंद कर दिया। ये चाय के लिए जो है दूध हम लोग नूरपुर इस्तेमाल करते हैं, और ये चाय की दानेदार पत्ती आ गई, और ये मैंगो शेजान वालों की जो बोतल है इसके अंदर दरअसल है ये सौंफ। तो सौंफ का हम बाद में थोड़ा सा तड़का लगाएंगे, तो A1 किस्म की जो है वो चाय तैयार हो जाएगी। अभी ये देखते हैं, इसको उठा के, ये पानी जो है वो उबलना शुरू हो गया, इसको एक दफ़ा हिला देते हैं। ये बड़ी बेहतरीन चाय बनेगी इंशाल्लाह। इसको पहले पानी को अच्छी तरह पका के और पत्ती को हिलाते हैं, ताकि पत्ती जो है वो अच्छी तरह अपना जो है कलर छोड़ जाए और उसके अंदर कोई कलर बाकी ना रहे और कच्ची भी ना रहे। तो इसकी तासीर जो होती है वो खुश्क होती है और खुश्की पैदा करती है, तो इसलिए इसको जो है ना इस तरह बेहतरीन हो जाए ये। और इसकी आँच जो है वो इतनी रखनी है, तैयार हो जाए। अभी हम आपको चाय दिखाते हैं बेहतरीन। अब जब आप ये देखें, इसको उठा के, ये पत्ती जो है अच्छी तरह बन गई है, तब आपने करना ये है कि इसके अंदर आपने नूरपुर मिल्क डाल देना। ये पहले थोड़ा सा डालें मिल्क, और उसके बाद इसको एक दफ़ा ये हिला दें। ये देखें, चाय का कलर देख रहे हैं आप, बेहतरीन चाय ये तैयार हो रही है। चाय के अंदर थोड़ा सा टेस्ट आ जाए, तो इसलिए ये एक चम्मच जो है वो इसके अंदर हमने एवरीडे दूध डाल देना। उससे क्या होगा कि चाय के अंदर जो है वो एवरीडे का बेहतरीन जो है वो टेस्ट आ जाएगा। ये एक चम्मच एवरीडे दूध हमने डाल दिया है इसमें। इसको हम रखें, ढकेंगे तो उबाल आएगा, और जितना जल्दी इसका उबाल आएगा चाय बनेगी उतनी ही बेहतर ये हमारे लिए होगी, कि चाय टेस्टी और मज़ेदार बन जाएगी। जब हम इसके अंदर पत्ती और एवरीडे डालते हैं तो बड़ी तेज़ी से चाय ऊपर आती है, इसलिए हमें बार बार इसको उठा के देखना पड़ रहा है। हम थोड़ी सी आग को तेज़ करेंगे, इसको उठाते हैं ताकि ये पके। ये अब देखें, पूरी दुनिया में चाय बनाने के बहुत से तरीके जो हैं वो हैं, बहुत से तरीक़ों से चाय बनाई जाती है, और बहुत से फ्लेवर्ड जो है वो इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप इसमें अदरक डाल सकते हैं, पुदीना डाल सकते हैं, लौंग, इलायची, लौंग, दालचीनी हो गई, छोटी इलायची की चाय खुशबू वाली वो हो गई, तो ये सब अलग अलग फ्लेवर हैं, तो इनकी मुख्तलिफ यानी कि फ्लेवर्ड की चाय जो है वो होटल्स पे भी मिलती है, और आप लोग घर भी उसको आसानी से बना सकते हैं। अभी ये बेहतरीन चाय जो है ये देखें, ये तैयार हो रही है। तो मतलब कहने का ये कि इसमें पत्ती थोड़ी कम है, तो माजिद के लिए जो है वो तेज़ पत्ती इस्तेमाल पीता है, तो उसमें पत्ती और डाल के दूंगा उसके लिए। जो मुझे पसंद है वो ऐसे हल्की पत्ती की चाय पसंद है, तो इसमें से पहले मैं अपनी चाय निकाल लूँगा, फिर माजिद के लिए जो है मज़ीद निकाल ली है, और माजिद के लिए इसके अंदर पत्ती और डाल दी जाए, ताकि वो तेज़ पत्ती की चाय जो माजिद को पसंद है वो बन जाए। उन जो है इसके अंदर सौंफ डालने के बाद इसको दो उबाला देना, और फिर फौरन ही उतार लेना,
बेहतरीन चाय जो है तैयार हो गई है। ले माजी भाई, अब चाय ज़रा चुस्की लगाओ और चाय चेक करके बताओ कि कैसी बनी। गर्म है ज़्यादा, है ना? देख के बना। बेहतरीन, बहुत अच्छी चाय। चलें, सौंफ का आ रहा है टेस्ट। चलें जी, देखें दोस्तों, ये माजिद भाई को चाय पसंद आ गई है, तो आप माशाल्लाह इनकी सेहत से अंदाज़ा लगाते हैं कि ये खाबे वाले बंदे हैं, खाबे खाने वाले, तो घाट घाट की चाय पी रखी है इन लोगों ने। तो इन्होंने ओके कर दिया, तो इसका मतलब है चाय बेहतरीन बनी है। रेसिपी आपने सारी देख ली है और अब आप इस तरह चाय बनाएं और जो शादीशुदा हैं वो अपनी बेगम को खुश करें और जो कुंवारे हैं वो अपनी महफिलें जो है उसमें रौनक लगाएं। ओके, अल्लाह हाफिज़।